बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाइन्थ क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर फाइव डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फर्स्ट एम है व्हाट डज मैस मेजर इन एन ऑब्जेक्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट क्वांटिटी ऑफ मैटर इन इट ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम द ऑब्जेक्ट्स वेट अगर आप मैस की बात करें तो मैस की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें ही ये बताया गया है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है उसको हम मास का नाम देते हैं तो इस वजह से इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्यूज नंबर टू है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मैर मैथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट मास मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर की मदद से हम टेम्परेचर मैयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मास मैयर करने के लिए यूज किया जाता है तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर थ्री है हाउ इज मैथिक टिपिकली एक्सप्रेस मैथ को टिपिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं यानी कि मैथ का ऐसा यूनिट पूछा गया है तो मैथ का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट हम सी नंबर फोर है वट इज वेट वेट क्या है वेट की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पर अप्लाई कर रही होती है विद इट्स मास यानी कि ऑब्जेक्ट का मास हो और उस पे ग्रेविटी अप्लाई करे तो उसको हम वेट का नाम देते हैं तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका एमसीक्यूज नंबर है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेट मास एंड ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी इक्वेशन जो है वो वेट मास और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान रिलेशन शो करती है तो हम वेट का फॉर्मूला जानते हैं W इक्वल टू एम जी तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है डब्ल्यूल टू एम जी एमसी क्यूज नंबर सिक्स है वट इज द यूनिट ऑफ वेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एस आई यूनिट वेट का ऐसा SI यूनिट क्या है तो वेट का ऐसा SI यूनिट हमारे पास न्यूटन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर सेवन है इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर मयरिंग द मैस ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक अ क्वें क्वन की तरह कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो उसका मैस मयर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर मैयर किया जाता है स्टॉप वॉच की मदद से टाइम मैयर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड किया जाएगा तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन अगर देखें तो फोर्स मीटर है उसकी मदद से फोर्स मैयर की जाती है नेक्स्ट टाइम नंबर एट है ए फोर्स मीटर मयर दी मैस वेट वॉल्यूम और टेम्परेचर फोर्स मीटर यानी कि यह फोर्स को मयर करेगा अब इन क्वांटिटीज में से देखें तो जो वेट है वो फोर्स है तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है नेक्स्ट टाइम सीक्स नंबर नाइन है वट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जी के बारे में बेसिकली पूछा गया है तो जी क्या होता है हमारे पास एक्सरलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी होता है ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सलेशन अप्लाई हो रहे थे इसलिए इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यूस थे मजीद किसी भी चैप्टर की, की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन सब्जेक जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू